अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जोही की दुनिया। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों की दुआ से खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जर्दा का रेसिपी का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अक्सर कंप्लेन आती है कि हमारी जर्दा कड़ा हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे मेथड से बनाइएगा, स्टेप टू आपका जर्दा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और एकदम अच्छा बनेगा। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स ये मज़ेदार सा ये रेसिपी। अब फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चावल 500 ग्राम, जिसे मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। भिगोना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और अब मैं यहाँ पे एक बड़े बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रखती हूँ, जिसमें हम जर्दे के जो चावल है उसे बॉईल करेंगे, पकाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे फूड कलर। तो फूड कलर मैंने यहाँ पे देखिए एक कटोरी में पानी ले लिया है, उसमें एक छोटा चम्मच फूड कलर को मैंने यहाँ पे डाल दिया। फ्रेंड्स, ये रेड ऑरेंज कलर है, तो इसे देखिए मैंने यहाँ पर पानी में डाल दिया है और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर मिला ली हूँ और इसे ढक्कन ढक के अब हम इसे बॉईल होने देंगे। और इसमें फ्रेंड्स मैं यहाँ पे केवड़ा वाटर डाल रही हूँ एक ढक्कन, जो देखिए मैंने यहाँ पे एक ढक्कन केवड़ा वाटर डाल दिया है। और अब हम इस पानी को बॉईल होने देंगे, जब बॉईल हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें चावल। तो देखिए हमारी पानी बॉईल हो चुकी है, तब हम जो भिगो के रखा था हमने जर्दे के लिए जो चावल, उसे हम डाल देंगे और इसे अच्छे पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए हम एक बार इसे चला लेंगे, जिससे कि ये चावल यहाँ चिपके नहीं। और ये देखिए हमारे चावल अच्छा पक चुकी है 90%। तो देखिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं, 70 to 80% हमें कुक करना है चावलों को। तो देखिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए हमने चेक कर लिया है, तो ये हमारी चावल अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसके जो पानी है उसे निकाल देंगे, एक्स्ट्रा पानी जो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक बड़े बर्तन को चढ़ा लेंगे, उसमें घी डाल देंगे एक कटोरी अप्रोक्स 6 से 7 बड़े चम्मच घी। और इसे अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें 8 से 10 लौंग डालेंगे और 3 से 4 छोटी इलायची, हरी इलायची को डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे जितने हमने चावल लिया था फ्रेंड्स, उतना ही हमें चीनी डालना है इक्वल क्वांटिटी में। तो देखिए मैंने चावल लिया था आधा केजी, तो मैंने आधा केजी चीनी भी डाला है। तो देखिए 500 ग्राम मैंने चीनी की ये परत बिछा दी है। अब हम उसके ऊपर चावलों को डाल देंगे, चावलों को भी अच्छे से लेयर लगा देंगे। और फ्रेंड्स, इसे मिक्स नहीं करना है चीनी के साथ, इसी धीमी आंच में हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे चीनी को। चीनी को अच्छे से पिघलने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए अभी मैं इसके ऊपर आधा कप, मतलब 1/4 कप मैंने पानी डाल दिया है, और इसे ढक्कन ढक के हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। जब तक हमारे लो फ्लेम पर चीनी मेल्ट हो रही है, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर ले। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है बादाम, इसे मैंने 8 से 10 बादाम को इस तरह से कट कर लिया है, 8 से 10 पिस्ताचू को कट कर लिया है, और 8 से 10 काजू को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है, और 15 से 20 किशमिश ले लिया, और एक छोटा नारियल जो सूखा नारियल उसे कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए 2 बड़े चम्मच घी को मैंने पेन में गर्म कर लिया है। और अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेंगे, हल्का ही रोस्ट करेंगे फ्रेंड्स, हल्का ही फ्राई करेंगे, बस हल्का चेंज कलर चेंज होने तक। तो देखिए हम इसे अच्छे से लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, एकदम हल्का लाइट होने तक, कलर चेंज होने तक। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। कितना ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, फ्राई करने से फ्रेंड्स जर्दे का टेस्ट और भी अच्छा आता है। हम चावलों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए धीमी आंच में मैंने यहाँ पे रख दिया था, 8 से 10 मिनट के बाद ही चीनी मेल्ट होने लगती है। तो देखिए मैं यहाँ 20 से हटा के देख रही हूँ, तो देखिए चीनी पिघल रही है, तो यहाँ पे पानी आपको दिख ही रहा है। तो अब हम इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, जिससे कि चीनी पिघल जाए अच्छे से। और फ्रेंड्स इस टाइम पे भी आपको चावलों को मिक्स नहीं करना है, अगर आप चीनी के साथ इसे मिला देते हैं तो चावल
अकड़ जाएंगे, कड़ा हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हाई फ्लेम पे छोड़ देती हूँ मैं और इसे पकने के लिए, और ढक्कन खुला ही अब पकाएंगे चावलों को। तो अब इस टाइम पे देखिए ये पक चुके हैं, तो हम इसे अब चला लेंगे। और ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, चीनी अच्छे से पिघल गई है, अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने भी फ्राई किए थे ड्राई फ्रूट्स वो डाल दिए हैं, और यहाँ पे मैंने मावा भी डाली हूँ जिसे हम खोआ भी कहते हैं, उसे कद्दू क्रश करके यहाँ पे डाल दी हूँ, और चेरी भी डाल दी हूँ। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब हम इस टाइम पे इसे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए ये मैंने निकाल लिया ढक्कन, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये रेडी है हमारा जर्दा। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स को पूरे अच्छे से चावलों के साथ मिक्स कर लेते हैं मावा को, और हमारा रेडी हो गया है जर्दा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ही इजी है बनाना। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसे ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए रूम टेम्परेचर आ जाने के बाद मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। देखिए अभी भी ये गर्म है, धुआँ उठ रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही शानदार बना है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए कितना ही यम्मी लग रहा है, इसे ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, ये डिश कैसा लगा जर्दे का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा बनाने का, और बनाइएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए और खुश रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे इसी तरह प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।